हाय एवरीवन दिस इज़ वोनेिका आज हम बात करने वाले हैं एक रेयर इजिप्शियन वॉल्चर की जिसको वदोदड़ा यानी गुजरात में देखा गया है तीस साल के बाद तो इसके बारे में जानेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अूज डिफरेंस है फेसबुक इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर पी आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा बाकी गुजरात स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनको बता दो स्मार्ट कोर्सेज़ हमारे पास अवेलेबल हैं गुजरात पी एस सी एस एस सी जी के टी ई टी एम आई पर भी अवेलेबल हैं आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल करके इसकी जानकारी ले सकते हैं न कमिंग बैक टू द टॉपिक ये जो स्क्वेंजर uh, है जो हम बात कर रहे हैं वल्चर्स की सो यू नो दैट वल्चर्स आर स्क्वेंजर्स हु फीड ऑन द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गैनिज्म तो इसलिए उनको स्क्वेंजर कहा जाता है इन्वायमेंटल इन्वायरमेंट environment के लिए ये क्लीनर के तौर पर भी काम करते हैं अब इसको ये रेयरली ही ये वाला जो स्क्वेंजर है वालचर को रेयरली ही स्पॉट किया जाता है इस रीजन में ये तिब्बी लेक वाले एरिया की हम बात कर रहे हैं जो वडोदरा सिटी के आउटस्कर्ट्स पर है अब बर्ड लवर्स जो रहते हैं बर्ड वॉचिंग का जिनको शौक़ रहता है उन्होंने फोटोग्राफ लिया इस इजिप्शियन वल्चर का तो ये वल्चर का नाम है इजिप्शियन वल्चर लेक के पास ही उनको मिला अबाउट टेन किलोमीटर फ्रॉम द सिटी सिटी से दस किलोमीटर की दूरी पे। अब ये घटना जो है इसको स्पॉट करने की ये अराउंड थर्टी इयर्स बाद हुई है कि ये स्पीशीज़ तिम्बी लेक के आसपास स्पॉट किया गया है आप प्रिंट मीडिया में भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं क्योंकि रेयर इजिप्शियन वाल्चर है अब हम इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री इन्फॉर्मेशन सेंटर ई एन वी आई एस सेंटर जो है गुजरात इकोलॉजी कमीशन के इसके बारे में अगर इनके अकॉर्डिंग ये बात समझें 2016 में गुजरात में बहुत सारे वल्चर्स थे 133 थर्टी थ्री इजिप्शियन वल्चर्स थे मेन पॉपुलेशन इनकी कौन से एरियाज़ में थी या तो अहमदाबाद वाले डिस्ट्रिक्ट में थी या बनस्कथा वाले डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलते थे 2016 की बात करें इजिप्शियन वल्चर्स अराउंड 133 वल्चर्स पे वैसे हमने और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं प्लाइट ऑफ वल्चर्स की कितना 90 परसेंट से ज़्यादा पॉपुलेशन इनका कम हो गया अगर हम इंडिया में जो वल्चर्स नेटिव पाए जाते हैं उनकी बात करें तो आप वो वाले वीडियोस भी रेफर कर सकते हैं वैसे भी ये जो इजिप्शियन वल्चर है ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है इसको वाइट स्क्वेंजर वल्चर भी कहा जाता है मैमल्स छोटे जो मैमल्स होते हैं उन पर फीड करता है बर्ड्स पे रेप्टाइल्स पे आ, या फिर बर्ड्स के जो एग्स हैं यूरोप नॉर्थ अफ्रीका साउथ एशियन कंट्रीज़ में पाया जाता है और आप इसको देख सकते हैं कि हैबिटेट और फूड रिडक्शन की वजह से फूड ये एक रीज़न है इस इजिप्शियन वल्चर के डिक्लाइन का अब वल्चर्स के बारे में अगर हम एक जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें अभी तक हम, हम बात कर रहे थे इजिप्शियन वल्चर जो स्पॉट किया गया वल्चर्स वन ऑफ़ द ट्वेंटी टू स्पीशीज ऑफ लार्ज कैरी ऑन ईटिंग बर्ड्स तो मतलब एक बाईस में से एक स्पीशीज़ है वल्चर जो बर्ड्स को खाती है और प्रीडोमिनेंटली अगर आप देखेंगे स्क्वेंजर भी है और ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स में आपको वर्ल्चर्स मिलेंगे नेचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे मैंने बोला डेड रिमेन्स जो एनिमल्स के उन पर ये फीड करते हैं तो मतलब नेचर के लिए इनको गार्बेज कलेक्टर भी कहा जाता है इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं वेस्ट से और एक वैल्यूबल रोल है इनका वाइल्ड लाइफ डिजीजेस को चेक में रखने के लिए क्योंकि अगर देखिए कोई क्या क्या डेड बॉडी है, body है body, uh, किसी एनिमल की जंगल में पड़ी हुई है किसी को नहीं पता है वहाँ पर तो उससे बीमारियाँ फैल सकती हैं सो दैट इज़ वाई दे आर नोन एज इन्वायरमेंटल क्लीनर्स इंडिया में जो स्पीशीज़ वल्चर्स की पाई जाती है उनके कंजर्वेशन स्टेटस तो बहुत सारी स्पीशीज़ पाई जाती है उनके आगे, आगे आप कंजर्वेशन स्टेटस देख सकते हैं इंडियन वल्चर व्हाइट रामड वल्चर क्रिटिकली एंडेंजर्ड है रेड हेडेड वल्चर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्लेंडर बिलेड वल्चर यहाँ पे मैंने पिक्चर्स नहीं लगाई इनके साथ साथ बट इन माई प्रीवियस वीडियोज़ जो प्रोजेक्ट वल्चर कंजर्वेशन पे पूरी तरह से बेस्ड है वहाँ पे आप डिटेल में इनके बारे में जान सकते हैं एक एक वल्चर के बारे में हमने वहाँ पे डिस्कस किया वैसे वल्चर सर्वाइवल को क्या थ्रेट है तो इस पर भी हमने पूरा केस स्टडी किया था डाइक्लोफिनाक तो अब बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बारे में अकॉर्डिंग टू देम वेटनरी यूज डाइक्लोफिनाक एक मेन थ्रेट है वल्चर्स का अब आप सोचेंगे कि वल्चर्स डाइक्लोफिनाक वल्चर्स को क्यों दी जा रही है नहीं वल्चर्स को डाइक्लोफिनाक नहीं दी जा रही एक तरह की पेन किलर है ये हम लाइफ स्टॉक्स को देते हैं और जो हमारे कैटल वगैरह होते हैं गाय भैंस होती है उनमें कोई बीमारी होती है तो वेटनरी डॉक्टर क्या करते हैं उनको ट्रीट करने के लिए डाइक्लोफेनाक जो है उनको दिया जाता था अब ऐसा कोई जानवर ऐसा कोई जानवर जिसको ट्रीट किया गया डाइक्लोफेनाक से वो मर जाता है और उस पर आके वल्चर फीड करते हैं उसकी बॉडी में डाइक्लोफेनाक है तो इनडायरेक्टली वो वल्चर की बॉडी में जाएगा और वल्चर्स को डाइक्लोफेनाक बिल्कुल सूट नहीं करता ये मर जाते इस वजह से इंडिया से मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वल्चर्स की वो ख़त्म हो गई क्योंकि ये वाइड स्प्रेड पेन रिलीवर है जो कि हम कैटल के लिए यूज़ करते हैं और यही रीज़न है वल्चर मोर्टलिटी का सबसे पहला रीज़न वल्चर्स की पॉपुलेशन कम होने का यही है उसके बाद बाकी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जैसी हैं पावर प्रोजेक्ट्स एक हमने ये भी लेक्चर पढ़ा था कि वल्चर्स जो हैं जो ग्रिड की पावर की लाइंस होती हैं उनसे टकरा के भी बिजली से भी मर जाते हैं तो पावर प्रोजेक्ट्स भी इनके यहाँ आप कह सकते हैं पॉपुलेशन डिक्लाइन का रीज़न है इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इंडस्ट्रियल यूनिट्स क्योंकि इनका हैबिटेट ख़राब हो रहा है ओके okay. फिर थर्ड रीज़न आप दे सकते हैं स्लो ब्रीडिंग रेट कि ब्रीडिंग रेट भी इनका बहुत कम है एक एग एक ब्रीडिंग सीजन में एक फीमेल वल्चर देगी तो ये स्लो ब्रीडिंग रेट भी है थ्रेट है उनके सर्वाइवल की क्योंकि ऐसे भी इतनी सारी थ्रेट्स हैं ऊपर से ब्रीडिंग रेट भी ज़्यादा नहीं है पेस्टिसाइड पोल्यूशन हो रहा है जैसे डी डी टी डाइक्लोरोफिनाइल ट्राइक्लोरोथेन ये पेस्टिसाइड इनकी बॉडी में अगर जाता है फूड चेन में तो ये भी आ, इनको हार्म पहुँचाता है इससे क्या होता है बेसिकली डी डी टी से कि जो इनका ऑलरेडी स्लो ब्रीडिंग रेट है इनके एग का तो डी जब इसकी बॉडी में जाएगा फीमेल की बॉडी में तो जो, जो एग की शेल होगी ना वो बहुत ही वीक बनेगी वीक बनने से क्या होगा कि वो हैच नहीं कर पाएगा और जो एम्ब्रियो है वो पहले ही मर जाएगा तो ऑलरेडी स्लो ब्रीडिंग रेट ऊपर से डी और बाकी सारे ये चीज़ें मिला लो इनके थ्रेट्स तो आप देखिए इनके कितने पॉपुलेशन कम हो गया पॉइजन कार्केसड्स लोग यूज़ करते हैं ये ऑलरेडी मैंने बता दिया एक तो डाइक्लोफनैक वाला रीज़न हो गया और दूसरा ऐसे भी अगर किसी को पॉइजन दिया हुआ है किसी डेड बॉडी पर एनिमल की वल्चर अगर उसको खाएगा वो भी मर जाएगा लीगल प्रोटेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है इनको नाइन स्पीशीज वल्चर्स में पाए जाते हैं और उसमें अगर आप देखेंगे इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन लॉ का नहीं मिला है लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलने से भी एक सर्वाइवल को थ्रेट है देखिए इस पर हमने पहले भी वीडियोस जो हैं वो बनाई हैं ये अभी रिसेंटली अभी तो मैंने डाइक्लोफेनैक की बात की ना निम्सोलाइड पे भी एक रिसर्च हुई की थी निम्सोलाइड भी वल्चर्स को नुकसान पहुंचाती है सेम रीज़न जिस तरह से डाइक्लोफेनैक का एक्शन है अब वल्चर एक्शन प्लान 2022-25 इस पर भी हमने डिटेल वीडियो बनाई आप जान सकते हैं एक्शन प्लान के बारे में Uh, अब ये एक्शन प्लान 2020 से 25 के बीच में कौन लेके आया मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन्होंने ये लॉन्च किया वल्चर को कंजर्व करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्या है पहला ऑब्जेक्टिव कि जो पॉइजनिंग है जिससे मेन इनकी डेथ हो रही है एन एस ए आई डीज नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ये इसका फुल फॉर्म है आप नोट कर सकते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स अब जो कैटल के डेड बॉडीज़ होती हैं और उनमें हमने जहाँ पे एन एस ए यूज़ किया जाता है तो हम चाहते हैं कि इसको रेगुलेट किया जाए कि वेटनरी जो डॉक्टर्स हैं वो कैटल को ट्रीट करने के लिए किस तरह की दवाइयों के किस तरह की ड्रग्स की यूज़ कर रहे हैं अगर कोई ऐसा ड्रग है जिससे वर्च्स का पॉपुलेशन कम हो रहा है तो हमको उसको रेगुलेट करना चाहिए है ना तो यही चीज़ है कि अभी इस पर भी काम हो रहा है जिस तरह से ये आपका एसलोफनाक है कीटोप्रोफेन है इसको वेटनरी यूज़ के लिए बैन भी किया गया है डाइक्लोफिनाक की बात की निम्सुलाइड की बात की तो इन सब पे रिसर्च अच्छे से होनी चाहिए उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने और भी प्लान्स किए हैं जैसे कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स देश में खोले हैं वल्चर्स के लिए तो आठ वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स जो हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री वो खोले गए हैं और मेन उनका पर्पस ये है कि इनकी ब्रीडिंग करवानी है वल्चर्स की ये जो वल्चर कंजर्वेशन सेंटर्स हैं यहाँ पे आई होप दिस इज क्लियर टू यू करंट अफेयर में हमारा इजिप्शियन वल्चर है कि उसको स्पॉट किया गया और उसके बाद हमने वल्चर्स के बारे में इन डिटेल पढ़ा कि क्या उनकी पॉपुलेशन को खतरा है एंड गवर्नमेंट uh, ने अभी तक क्या एक्शन लिया है क्वेश्चन है आपके लिए वल्चर इन स्टेटमेंट्स को पढ़िए वल्चर्स के बारे में वल्चर सेफ जोन इज जोग्राफिकल एरिया ऑफ एटलीस्ट फाइव हंड्रेड किलोमीटर रेडियस विच इज डेजिग्नेटेड एट नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड वर्जर एंड इज मेड फ्री ऑफ प्रेजेंस ऑफ ड्रग डाइग्लोफिना इंडिया मूव द मोशन आई सी एन इन टू थाउजेंड फोर फॉर वल्चर कंजर्वेशन विच वॉज एक्सेप्टेड इन द फॉर्म ऑफ आय सी एन ल्ड अपॉन जिप जिप्स वॉल्चो रेंज कंट्रीज कॉलिंग टू प्रिवेंट ऑल यूजेज ऑफ डारैक्लोफेनैक इन वेटनरी एप्प्लीकेशंस तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं यहाँ टेलीग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं पोल में बाकी कोई भी कोर्सेज से रिलेटेड जानकारी और वेबसाइट विजिट करिए एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए थैंक यू सो मच